हेलो स्टूडेंट, कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, डिजिटल एजुकेशन जो है इस बार सिलेबस में नया जुड़ा हुआ है और ये इंग्लिश में है। जिन जिन विद्यार्थियों का मीडियम इंग्लिश है उनके लिए दो वीडियो लेक्चर पहले से चैनल पर अपलोड हैं। आप जो है उन वीडियो को देखकर सीखिए और उन्हें लिखिए, ठीक है। जो विद्यार्थी डिजिटल एजुकेशन को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये पहला वीडियो है जो कि हिंदी में है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेट बना दिया गया है जो कि जो इंग्लिश मीडियम के लिए बनाया गया है उसमें ये क्वेश्चन शायद नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए एक बहुत बोनस पॉइंट यही है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ आमतौर पर उपयोग होने वाले इंटरेक्टिव और क्रिएटिव उपकरण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ का यहाँ पे हिंदी वर्जन है, वो पहले इसको इंग्लिश में बता चुके हैं, ठीक है। और ये उसका हिंदी है, यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप जो है इस तरीके से आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेक्टिव टूल्स हैं यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के बारे में बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो एक सहयोग प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ता को संवाद करने, सहयोग करने और वर्चुअल मीटिंग करने की अनुमति देता है। इसमें चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल साझा करना होता है, वर्चुअल मीटिंग्स होते हैं, ये सारी सुविधाएँ होती है। जैसे कि मैंने पिछला वाले वीडियो में बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम का उपयोग एक्चुअली में बड़े बड़े ऑफिसों में किया जाता है जहाँ पर बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो बैठते हैं और एक साथ उसमें मीटिंग्स वगैरह करते हैं, फाइल का ट्रांसफ़र वगैरह किया जाता है। ये इंटरेक्टिव का एक टूल है। सेकेंड टूल क्या है? गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम क्या होता है? एक ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो शिक्षण संस्थान के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। इसमें शिक्षक वर्चुअल कक्षाएँ बनाती है। देखिए, वर्चुअल कक्षा का मतलब होता है आभासी कक्षाएँ जिसमें कि शिक्षक जो है कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं और स्टूडेंट भी कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं और उसके माध्यम से पढ़ाई चलती है। असाइनमेंट वितरित कर सकते हैं इसके माध्यम से, प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं और छात्रों के साथ जो है डिबेट कर सकते हैं। ये हो गया। और उसके बाद अगला जो है लिंक्डइन है। लिंक्डइन एक पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो पेशेवरों को जोड़ता है। पेशेवर मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उसको जोड़ता है। ये करियर विकास के लिए सुविधाजनक बनाता है और उपयोगकर्ताएं प्रोफाइल बना सकते हैं, पेशेवर संबंध बना सकते हैं और अपडेट और लेख साझा कर सकते हैं, नौकरियों की खोज कर सकते हैं और विकासशील संसाधनों तक पहुँच बना सकते हैं। यानी कि लिंक्डइन वो वेबसाइट है जिसके माध्यम से जो है लोग अपने जैसे प्रोफेशनल्स लोगों के साथ एक ग्रुप बना सकते हैं और करियर भी इसमें ढूंढ सकते हैं। अब क्रिएटिव टूल्स पे आते हैं। गूगल स्लाइड। क्रिएटिव टूल्स मतलब कोई चीज़ आप बनाना चाहते हैं तो आपको मददगार करता ही है। इंटरेक्टिव टूल्स का मतलब होता है आपको बातचीत करने में मदद करता है। क्रिएटिव मतलब कुछ बनाने में। गूगल स्लाइड एक वेब आधारित प्रस्तुति उपकरण है जो उपयोगकर्ता को सहयोगी रूप से स्लाइड डेक बनाने में संपादित करने की अनुमति देता है। इसके अलावा इसमें पाठ, छवियाँ, चार्ट, बहुमीडिया तत्वों को जोड़ना जोड़ना और कई उपयोगकर्ताओं के साथ वास्तविक समय में सहयोग करना संभव होता है ना, गूगल स्लाइड का इस्तेमाल किया जाता है। गूगल स्प्रेडशीट क्या है? गूगल स्प्रेडशीट एक वेब आधारित स्प्रेडशीट उपकरण है और ये एक्सेल की तरह ही काम करता है, ठीक है। जिस प्रकार से डेटा का विश्लेषण किया जाता है, चार्ट, ग्राफ वगैरह बनाए जाते हैं, वो भी इसमें बनता है गूगल स्प्रेडशीट में, ठीक है। अब आता है गूगल फॉर्म्स, ठीक है। तो गूगल फॉर्म्स एक ऑनलाइन सर्वेक्षण फॉर्म बनाने का उपकरण है और प्रश्न भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। इसके माध्यम से आप टेस्ट भी ले सकते हैं, गूगल फॉर्म्स के माध्यम से कोई सर्वे करा सकते हैं। तो ये भी एक क्रिएटिव टूल्स है। और क्रिएटिव टूल्स में यूट्यूब भी आता है। यूट्यूब तो बहुत फेमस है। यूट्यूब एक प्रसिद्ध वीडियो साझा करने का प्लेटफॉर्म है। आप इसमें वीडियो अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य के लिए यूट्यूब वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, व्याख्यान और शिक्षण सामग्री साझा करने के लिए व्यापक रूप से इसका उपयोग होता है। ये इंटरेक्टिव और क्रिएटिव टूल्स विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि शिक्षा का हो गया, व्यापार का हो गया, इन क्षेत्रों में सहयोग, लर्निंग, रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये पूरा जो है क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन और आंसर को लिख लेना है और अच्छे से स्टडी करना है। इसके बाद भी अगर इसमें से किसी पॉइंट में लगता है कि आपको डाउट है, आप उसको समझे नहीं, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा जिससे कि आपकी समझ और विकसित हो, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि नॉलेज आपका बेहतर हो और शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत ऊँचा मुकाम हासिल कर सकें, ठीक है। एग्ज़ाम डी तैयारी, एग्ज़ाम की बहुत बहुत धन्यवाद आपका।